ठंडाई पाउडर बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप शक्कर, 1/4 कप पिस्ता, ये छिले हुए पिस्ता है, 1/4 कप सौंफ और 1/4 कप मगज के बीज, 1/3 कप बादाम, 3 टीस्पून इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची का पाउडर बना हुआ नहीं है तो आप आखी इलायची भी ले सकते हैं। आप 10 से 12 इलायची लीजिए और उसको छील दीजिए और फिर मिक्सी में इन सब के साथ पीस दीजिएगा। 2 टीस्पून खसखस, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जायफल पाउडर, ये मैंने जायफल को घिस दिया है, और थोड़ा सा केसर। अब हम सबसे पहले एक जार लेंगे, इसमें सौंफ डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और आधी शक्कर डाल देंगे। आधी शक्कर अभी हम बचा लेंगे और इन सबको पीस लेंगे। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है और इलायची आखी है तो आप उसको इस टाइम पीसिएगा। अब हम इसको छान लेंगे। ये इसके ऊपर जो बचा है इसको हम फिर से मिक्सी के जार में डाल देंगे और हमारी सारी चीज़ें इसमें डाल के पीस लेंगे। अब हम इसमें बादाम डालेंगे, मगज के बीज डालेंगे, पिस्ता, इलायची, खसखस, जायफल पाउडर, केसर और शक्कर डाल देंगे और इन सबको भी पीस लेंगे और छान लेंगे। इन सबको भी पीस लेंगे। अब हम इसको भी छान लेंगे। हमने इसको छान दिया और ये ऊपर रह गया तो हम इसको भी एक बार पीस लेंगे। ये हमने पीस दिया, अब हम इसको फिर से एक बार छान लेंगे। तो हमने ये सब छान लिया और ये अभी भी छलनी में कुछ बचा है तो इसको अब हम एक बाउल में ले लेंगे। इसको हम कभी भी भिगो के दूध के साथ ले सकते हैं क्योंकि इसमें बादाम, काजू, पिस्ता यही सब चीज़ें हैं, इसलिए हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके इसमें बहुत गांठे हैं तो आप इसको एक बार फिर से छान लीजिए। ये हमारा ठंडाई पाउडर रेडी है, इसे हम पूरे साल फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे तब ठंडाई बनाकर पी सकते हैं। अब हम ठंडाई बनाएंगे। ठंडाई बनाने के लिए मैंने ये लोटे में 3 गिलास दूध लिया है। अब मैं इसमें 5 टीस्पून ठंडाई पाउडर डाल दूंगी। अब मैं दूध में 2 टीस्पून शक्कर डालूंगी। हम शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको ग्राइंड कर दूंगी। अगर आप मिक्सी में चलाना चाहते हैं तो आप ठंडाई लीजिए और थोड़ा सा दूध लीजिए और उसको ग्राइंड कीजिए, फिर सब दूध में उसको मिला दीजिए तो आपकी ठंडाई रेडी हो जाएगी। अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी। ये मैंने इसको 2 मिनट ग्राइंड कर लिया और ये हमारी ठंडाई रेडी है। अब मैं इसको सर्व करूंगी। अब हम इस पे थोड़ी पिस्ता की कतरन डालेंगे। अब हम इस पे कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ भी रखेंगे। ये हमारी ठंडाई रेडी है। अब हम इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे।